सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी सुबह में झाड़ू लगाए, केवल पोछा नहीं लगाए हैं, और नहा के बाल अभी बस कंघी ऊपर से किए हैं, पूरा भी नहीं किए हैं, बाल धुले हैं, तो जूड़ा बना लिए हैं, चलते हैं किचन में, और किचन में सब्जी पूरा काट के और फिर गए थे नहाने। ओम चले गए हैं स्कूल, उनका सुबह 7 बजे का हो गया है। तो मेरा ऐसे ही है, मुझे मतलब जब से इन लोगों का पढ़ना स्टार्ट हुआ तब से मुझे मतलब कभी भी रेस्ट नहीं है। जब ओम स्कूल जाना शुरू किए तब देव मतलब जिस साल ओम का एडमिशन कराए ना उसी साल देव मेरे आए, तो देव के मतलब तब घर पे था कि इनके लिए मुझे ओम के लाने जाने में दिक्कत, और जब ओम 4th में गए तो देव 1st में, तो उनका टाइमिंग दोनों का चेंज हो जाता है, एक का 7 बजे से, एक का 11 बजे से। अब देव का 11 बजे से हो गया है तो ओम का 7 बजे से। अब तो दोपहर का भी सोना मेरा बिल्कुल बंद हो गया, 1:30 बजे ओम आते हैं, उनको खिलाओ पिलाओ और थोड़ा बहुत मतलब बोलो, लेके उनको सुलाने के लिए लेटाओ, तब तक 3:15 में ओम के आने का, देव का आने का समय हो जा रहा है। तो वैसे ही चलेगा, जब ओम इंटर पास करेंगे तो उसके बाद देव 9th में जाएंगे, तो देव का फिर से सुबह का हो जाएगा, तो मेरा सुबह वाला है कभी बंद नहीं होगा, ऐसे ही चल रहा है। तो अभी ओम चले गए हैं और आजकल वो अभी दही रोटी खा के जा रहे हैं, सब्जी अभी मतलब थोड़ा सा ये है, वरना अगर जब वो मतलब ठीक हो जाएंगे, अभी तो सब्जी थोड़ा कम खा रहे हैं, मतलब मसाले वाली सब्जी है, और बच्चों को तो जानते ही हैं कि मतलब केवल जैसे नेनुआ हो, केवल लौकी बना दो, नेनुआ बना दो, पालक बना दो, तो वो सब तो खाने वाले हैं नहीं, तो मतलब सब्ज़ी जितना होता है कम ही खाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दही खा ले। हाँ, अब यहाँ पे जब से आए हैं मूंग दाल बना दे रहे हैं, तो मतलब दाल रोटी हो जाता है, तो इस तरह से उनका चल रहा है। तो अभी सब्ज़ी सुबह नहीं बनाना पड़ रहा है, केवल रोटी बना देते हैं और दही रोटी खा के चले जाते हैं। टिफ़िन में खीरा ले ले रहे हैं या कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, अभी मतलब रोटी वोटी नहीं ले जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम है, 6 बजे उठते हैं तो हो जाता है। जब सब्ज़ी ले जाना होगा, सब्ज़ी रोटी प्रॉपर ले जाएंगे, तब तो और मतलब पहले उठना पड़ेगा। तो अभी किचन में आ गए हैं और सब्ज़ी नहाने से पहले ही काट के गए थे, तो उसके बाद रहता है ना कि नहाओ तो पूजा वूजा करने में मन लगता है कि सब्ज़ी कटी हुई है, तो बस जाके छौंकना है। लौकी और चने दाल की सब्ज़ी, चने की दाल रात में भिंगो के रख दिए थे, लौकी भी काट लिए हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, तो लहसुन अदरक घिस लेंगे, और हरा मिर्चा इस तरह से काट लिए हैं। पहले गर्म पानी पी लें फिर सब्ज़ी छौंके हुए। आज इस तरह से बना रहे चने की दाल डाल के, और इस तरह से बनाओ ना तो थोड़ा बहुत ये लोग भी खा लेते हैं, वरना मेरे यहाँ तो लौकी अगर आती है तो दाल में ही पड़ता है, जैसे कोई भी दाल हो उसमें लौकी डाल देते हैं, तो इन लोगों को दिखता नहीं है तो खा लेते हैं। अभी जीरा और हींग डाल के, और प्याज तो प्याज थोड़ा ज़्यादा ही है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मीठा मीठा सब्ज़ी रहता है ना, तो बहुत अच्छा और सबको पसंद भी आता है, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा करके ये खा लेते हैं। वैसे प्योर लौकी बनाओ तो मतलब कोई खाना, मिस्टर तो मेरे बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो फिर बच्चों का कहाँ, मिस्टर जब नहीं खाएंगे, बड़े ही जब ऐसे करते हैं, और इस तरह से था तो बच्चे भी खा लिए और मिस्टर भी। अभी इसमें बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला डाले हैं और हल्दी डाल के इसमें मिला लेंगे। तो कौन कौन इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं? आजकल बच्चों का नखरा, बहुत कम ही जगह ऐसा होगा कि बच्चे लौकी नेनुआ ये सब बहुत पसंद से खाते हैं, और मैं बच्चों का क्या बोलूं, जब मेरे मिस्टर का ही भी यही हाल है। नेनुआ का तो खैर, ये तो लौकी फिर भी किसी भी तरह से खिला लेती हूँ, नेनुआ तो सोचना भी नहीं होता है, और अगर कभी कहते भी हैं तो कहते हैं तुम्हारे लिए भी लाना बंद कर देंगे अगर तुम दिमाग लगाओगी तो, फिर नहीं बनाते। और नेनुआ का मुझे भी लगता है ना कि उसका टेस्ट कुछ अलग नहीं हो पाता है, चाहो तो टेस्ट समझ में आ जाता है। तो इस तरह से लौकी के अभी सब्ज़ी मतलब पूरा भून लिए हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के और बस तक सब्ज़ी छौंके, इधर आटा भी लगा लिए। अभी सब्ज़ी भी बन गया है और रोटी भी बना लिए हैं, पूरा किचन क्लीन कर लिए हैं, और आपको सब्ज़ी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा इस तरह से बनता है, टेस्ट में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस तरह से सब्ज़ी। काम खत्म हुआ,
पोछा भी लगा दिए, केवल आज गेस्ट रूम में लगाए, इधर दोनों कमरे में नहीं लगाए। कल शाम को लगाए थे, कल पूरा जब साड़ी ये सब रखे थे ना तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाए थे, छोड़ दिए, जाने देते हैं, अब मन नहीं कर रहा है, बाद में देखेंगे, अगर मन करेगा तो लगा देंगे, वैसे तो मन अब नहीं करेगा। और दाल भी बना दिए, नाश्ता हो गया है, दाल बना दिए, बस अब चावल बनाना है। अभी थोड़ी देर अब आराम करेंगे, तब तक हो जाएगा ओम के आने का समय, 11:30 बज रहा होगा। गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी सोचे बाहर जाएं, बाल कंघी किए तो बाहर जाने के लिए तैयार हुए और याद आ गया छत पे गेहूं डाले हैं, मिस्टर डाले हैं हमने, मतलब सुबह ये डाल दिए थे, धुले तो परसों के हैं लेकिन कल नहीं डाले थे धूप में, क्योंकि कल कपड़ा धुलना और सब पैकिंग वाला सब सामान सेट करने में लग गया समय, तो कल नहीं धुले, कल धूप में नहीं डाले थे और आज देना है पीसने के लिए। तो अभी निकलने जा रहे थे तो याद आ गया कि छत पे गेहूँ पड़ा है, उसको भी रखते, तो रखना नहीं है, उसको चालना है और चाल के फिर बोरी में करके रखना है, पीसने के लिए ये देंगे आएंगे तो चलते हैं अभी पहले गेहूँ को चाल लें फिर जाएंगे। गेहूँ अभी चाल लिए, चाल के बोरी में रख दिए, अभी चलते हैं नीचे। अभी देखिए ऊपर से आए तो फिर दिख गया कि अभी दूध थोड़ा बहुत बचा है, लाइट चला गया था, इंडक्शन पे चढ़ाए थे तो फिर उसको गैस पे चढ़ाए कि उबल जाए, तब तक लगा जो बर्तन धुल के रखे हैं ये सब हटा दें। तो यही होता है जब मतलब हम लोग घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं ना, तो कुछ ना कुछ या तो काम आ जाएगा या फिर लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें। अभी जाके काम ख़त्म हुआ, दूध भी इंडक्शन पे चढ़ाए थे, लाइट चली गई, फिर गैस पे दूध भी उबल दिए, तो अब चलते हैं। मिस्टर अभी आ गए और लेके आए हैं मिठाई, और ये पेठा है, पेठा तो व्रत के लिए या ऐसे भी गर्मी में रहता है ना कि पानी पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, अभी तो पेड़ा जो मायके से ले आए हैं तो उसमें से अभी पेड़ा पूरा बचा हुआ है, बाकी मिठाई ख़त्म हो गया है। ये सोन पापड़ी, गर्मी में पानी पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो इसको तो अभी ऐसे ही रख देते हैं, इसको देते हैं सबको। ओम के लिए गन्ने का जूस, अभी जा रहे रोटी बनाने, और सब्जी रखी हुई है और दाल भी रखा हुआ है, थोड़ा सा चावल रखा है, मिस्टर के लिए बनाए थे कि शाम को आएंगे तो थोड़ा सा दाल चावल दे देंगे, लेकिन देर करके आए, फिर मिठाई लेके चले आए, तो ये सब हो गया, चाय हो गया, तो नहीं बनाए, नहीं खाई ये दाल चावल, सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे दिमाग में वो चल रहा है, तो वो सब रखा हुआ है और सब्जी रखा हुआ है, तो बना रहे हैं, बस रोटी बनाना है, नहीं बनाना है सब्जी, चल रहा है अभी रोटी बनाएंगे। तो पहले इस वीडियो का यही पे एंड कर लेते हैं, तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।